पंजाब च कांग्रेस को लगा वड्डा झटका। साबका कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढी होए बीजेपी च शामिल। फिरोजपुर के गुरु हर सहाय सीट तो लगातार चार बार रह चुके ने विधायक। भाजपा च शामिल होते ही पीएम नरेंद्र मोदी की कीती जम के तारीफ। श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थाना मोहाली विच होया मामला दर्ज। मजीठिया खिलाफ हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट से धारा 25-27A-29 NDPS के तहत FIR दर्ज। बिक्रम मजीठिया खिलाफ ड्रग मामले से हुई कार्रवाई नूं पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दस्या कांग्रेस सरकार दी बदलाखोरी दी नीति। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार ने इसलिए 3 DGP बदले ताकि वह मजीठिया नूं अंदर कर सकन। उन्हां कहा कि कांग्रेस सरकार अकाली दल नूं कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पंजाब दे विच उच्च पद्धरी सिक्ख्या नूं प्रफुल्लित करना सूबा सरकार दा मुख मकसद है। जिसके लिए पंजाब दे स्कूलां कालजां तो लै यूनिवर्सिटियां तक दी हालत सुधारन दे विच सरकार जुटी हुई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला लई पंजाब सरकार ने वड्डे ऐलान कीते ने। यूनिवर्सिटी दे सिर चढ़े कर्जे दी पंड दा पूरा भार सरकार ने अपने सिर लै लिया है। 150 करोड़ रुपया साडी यूनिवर्सिटी ने लोन चक लिया। लोन दी किस्त मोड़नी है, ब्याज पै रहा है, तो यूनिवर्सिटी थले डुब रही है। सो अज असी आए हैं, बादल साहब मेरे नाल आए हैं, असी वो थोड़ा 150 करोड़ रुपए पर लैन मार रहे हैं। तो लोन आमदन तो वध खर्चे होने के चलते दम घुटते इस अदारे नूं हुण हर महीने 20 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे ने। खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, आमदन घट है, इस करके जेड़ा थोड़ा घाटा पैदा है। 9.5 करोड़ की जगह 20 करोड़ का खर्चा है, इसी थोड़ा पूरा 20 करोड़ देना है। हर महीने 240 करोड़ रुपया साल का थोड़ा आय करेगा। एक कानून बना देना कर कर चली गल, पंजाब सरकार कर दी मसले हल। बिक्रम मजीठिया खिलाफ मोहाली विखे FIR दर्ज होन तो बाद सामने आया पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि यह उन्होंने मुंह से थप्पड़ है जो कई साल तो सौंदे रहे, हुण ईमानदार अफसरों को कमान देने का नतीजा आया सामने। श्रोमणी अकाली दल के दोहरे संविधान मामले को लेकर हुशियारपुर की अदालत चल रहे मामले की सुनवाई 18 जनवरी तक की गई मुलतवी। इस दौरान साबका CM प्रकाश सिंह बादल निजी तौर पर अदालत में पेश होने के सुनाए गए हुक्म। चंडीगढ़ च कोरोना और ओमीक्रोन का वध्या खतरा। ओमीक्रोन के मिले 2 होर शकी मरीज। मनीमाजरा च व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहला स्पेन तो भारत परतिया सी व्यक्ति। सैंपल MCDC लैब च भेजे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की पेट्रोल और डीजल से वैट कटाने की मांग को लेकर मंगलवार को पूरे झारखंड के पेट्रोल पंप रहे बंद। हाल ही में रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि सूबा सरकार ने पेट्रोल और डीजल उत्ते वैट दरों को 22% तो घटा के 17% करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग के वख-वख खेतरां दे कंपनियां दे CEOs नाल कीती गलबात। प्रधानमंत्री ने कहा असी अर्थव्यवस्था नाल संबंधित वख-वख पहलुआं ते चर्चा कीती। CEOs ने आउण वाले बजट लई सांझे कीते सूझ-बूझ वाले सुझाव। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जांच रिपोर्ट मुताबिक कथित तौर पर खंघ की दवाई पीन नाल दिल्ली विच 3 बच्चों की हुई मौत। मृतका समेत 16 बच्चे अस्पताल विच करवाए गए भर्ती। रिपोर्ट विच कहा गया कि इन बच्चों को दिल्ली सरकार के एक मोहल्ला क्लीनिक द्वारा डेक्सट्रोमेथोफुरोन दवाई दी गई सी जो कि इस उम्र के बच्चों लई पाबंदित है। हदबंदी कमीशन जो कि जम्मू कश्मीर दी विधानसभा सीटा नू मुड़ तो मिथन लई स्थापित किया गया है ने जम्मू खेतर विच 6 वादू सीटा ते कश्मीर विच 1 सीट वधाउण दी रखी तजवीज। इस संबंधी 5 सहायक मैंबर नाल कीता गया विचार वटांदरा अते पेपर 1 कीता गया जारी।